15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच खूनी झड़प हुई। यहां चीनी सेना के सामने बिहार रेजिमेंट के जवान तैनात थे, जिनकी शौर्य गाथा पीएम मोदी से भी आपने सुन रखा होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है, ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। और अब बिहार रेजिमेंट की वीर गाथा सामने आई। बताया जा रहा है कि काफी कम संख्या में होते हुए भी भारतीय जवानों ने 15 जून को हुए संघर्ष में चीनी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। चीनी सेना की तरफ से जारी पत्थरबाजी के बीच बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनियों का वो पोस्ट उखाड़ कर फेंक दिया, जहाँ से चीनी सेना पीछे हटना नहीं चाहती थी। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि असल में 15 जून को गलवान घाटी में क्या क्या हुआ था। 15 जून की शाम की बात है, चीन और भारत के अधिकारियों की बैठक चल रही थी। बैठक में यह तय हुआ था कि चीनी सैनिक जो भारत की तरफ है, उन्हें वापस जाना होगा। मीटिंग का ये मैसेज लेकर 16 बिहार रेजिमेंट के कुछ जवानों को चीनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर भेजा गया। वहाँ चीन के 10 से 12 सैनिक मौजूद थे। उन्हें बताया गया कि बैठक में तय हुआ है कि उन्हें पीछे हटना है, लेकिन चीनी सैनिकों ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब ये भारतीय सैनिक वापस लौट आए और बाकी यूनिट को इसकी जानकारी दी। चीनी सैनिकों को दोबारा समझाने के लिए भारत की तरफ से करीब 50 जवान गए। इसमें कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। इधर चीनी सैनिकों ने हमले की पूरी तैयारी कर ली। पहली बार आए जवानों के बाद ही चीनी सैनिकों पीछे वाले पोजीशन से अपने जवानों को आगे आने के लिए कह दिया था। इस यूनिट में करीब 300 से 350 चीनी जवान थे। जब दोबारा भारतीय पेट्रोल चीनी सैनिकों के पास पहुंचा, तब तक चीनियों ने अपनी पोस्ट पर ऊंची जगहों पर और सैनिक इकट्ठा कर लिए थे और पत्थर और हथियार भी जमा कर लिए थे। भारतीय पेट्रोल के दोबारा पहुंचने पर दोनों पक्ष बातचीत करने लगे, लेकिन जल्दी ही बहस शुरू हो गई और भारतीय जवानों ने चीन के टेंट और इक्विपमेंट हटाने शुरू कर दिए। चीन के सैनिकों ने पहले से ही हमले की तैयारी कर रखे थे। चीन के सैनिकों ने पहला हमला 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और हवलदार पलानी पर किया। संतोष बाबू के शहीद होते ही बिहारियों ने अपना आप खो दिया और संख्या में कम होने के बावजूद वो चीन के सैनिकों पर तेजी से हमला करने लगे। भारतीय सैनिकों पर ऊंची जगहों से पत्थर फेंके जा रहे और सामने से चीनी सैनिकों ने कटीले तार और कील लगे डंडे और रॉड से हमला कर रहे थे। एएनआई के मुताबिक ये संघर्ष करीब 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक यानी देर रात तक चलता रहा। इसमें कई चीनी सैनिक घायल हुए, कई मारे भी गए, हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए। बताया गया कि झड़प के दौरान भारत की तरफ से मात्र 100 सैनिक थे, जबकि चीनी करीब 350 थे। चीनी जवानों के 3 गुना ज्यादा संख्या में होने के बावजूद बिहारी जवानों ने उस चाइनीज पोस्ट को उखाड़ फेंका, जहां से चीनी सेना पीछे हटना नहीं चाहती थी। चीन के 43 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन अभी तक चीन की तरफ से कोई आधिकारिक आंकड़े पेश नहीं किए गए। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर फिर से शुरू हो गया है, जिसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A पर विवाद खत्म करने की बात हो रही है। हम भी उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच फिर से शांति बहाल हो जाए। लेकिन हाँ, 16वीं बिहार रेजिमेंट का साहस और शौर्य एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। खैर, इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।